कोला में बह रही विकास की गंगा पर बोले हरकिशन सिंह, बार बार मोदी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताकर कहा, 20 साल से पुरोला में ठप थे विकास कार्य। नदी नालों में फर्जी बाढ़ सुरक्षा बन गई थी विकास का मतलब। आज की कवर स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आइए हमारी खास टैगलाइन पर एक नजर डालते हैं। जिस देश के सांसद व विधायक निधि बेचकर कमीशन खाते हैं, उस देश में बिना भ्रष्टाचार के विकास 100% बेईमानी है। आइए बार बार मोदी सरकार के औचित्य पर सवाल उठाने वालों को कवर स्टोरी से अवगत कराते हैं। पुरोला नगर पंचायत के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों के अंतर्गत बन रही मल्टी स्टोरी पार्किंग जल्दी ही पुरोला नगर के प्रवेश द्वार की शान बनने जा रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी कहते हैं, भविष्य की पीढ़ी को आज की पीढ़ी द्वारा ये संपत्ति दी जा रही है, जिसे देखकर वे भविष्य में गर्व के साथ कहेंगे, यह हमारे पूर्वजों की मेहनत का फल है। वही नगर की व्यवस्थम सड़क कुमला रोड पर नगर पंचायत द्वारा आरसीसी नाली के निर्माण के साथ साथ सड़क पर टाइल बिछाई जा रही है। गौरतलब है कि कुमला रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला को नौगांव पुरोला मार्ग तक जाने का एकमात्र विकल्प है। कुमला रोड पर टाइल बिछाने के कार्य के चलते सड़क पर आवाजाही के लिए बंद होने के चलते 108 एम्बुलेंस सेवा के अस्पताल तक पहुंचने में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए दो अस्थायी वैकल्पिक मार्ग बनाए गए। आइए, हमने हरकिशन सिंह के मुखारविंद से कहा था कि बार बार मोदी सरकार, तात्पर्य नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बार बार प्रधानमंत्री देखना नहीं है, अब तो ऐसे लोगों को ग्राम प्रधान से प्रधानमंत्री जैसे पदों पर आसीन कराना है, जो बिना राग द्वेष के विकास कार्यों के लिए जीवन समर्पित करें, जो जनता के पैसों से नदी नालों में फर्जी बाढ़ सुरक्षा कार्यों के स्थान पर भविष्य की पीढ़ी को सैकड़ों की संख्या में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, शिक्षा संस्थान व वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दे। पुरोला में चल रहे विकास कार्य नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी की दूरदर्शी सोच के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विकासात्मक नजरिया व प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सही सोच व सही विकास को एक आंदोलन बनाना है। बहुत बढ़िया कार्य चल रहे हैं और जो है नेगी बहुत मेहनत कर रहा है और आने वाले समय में दोबारा हम नेगी टावर को जिताएंगे और जो है बाईपास उन्होंने निकाल दिया, नहीं तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी गुजरगांव जाने के लिए, पूरा जाने के लिए और जगह जगह जाने के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। और जो नई रोड उन्होंने पहले बनाई थी उसमें बहुत खतरनाक रोड थी, वो जो नई आज जो नई रोड बनाई है वो बहुत बढ़िया रोड बनी है और इससे जो है आम जनता को बहुत फायदा हो रहा है। आपको हमारी कवर स्टोरी कैसी लगी, अपने कीमती कमेंट अवश्य करें। नमो न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करने वाले आप सभी का आभार। पुनः आपका दिन मंगलमय हो। नमो नारायण। नगर पंचायत अध्यक्ष की ओर से विकास के जो कार्य कराए जा रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन और आने वाले टाइम के लिए एक वो प्रेरणा बनेंगे और वो मेरा मानना है कि वो एक साहसिक कार्य भी अपने विकास के साथ साथ वो एक साहसिक कार्य भी करा रहे हैं कि कहीं रास्तों को बनाने में, नालियों को बनाने में कई भी प्रकार की बाधाएँ आ रही थी, जिसका निराकरण उन्होंने आपसी सामंजस्य से बैठा करके और कहीं अपनी हिम्मत दिखा कर के भी आगे बढ़े, तो मैं नगर पंचायत अध्यक्ष को धन्यवाद करता हूँ। टोला में बह रही विकास की गंगा पर बोले हरकिशन सिंह, बार बार मोदी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताकर कहा, 20 साल से पुरोला में ठप थे विकास कार्य। नदी नालों में फर्जी बाढ़ सुरक्षा बन गई थी विकास का मतलब। आज की कवर स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आइए हमारी खास टैगलाइन पर एक नज़र डालते हैं। जिस देश के सांसद व विधायक निधि बेचकर कमीशन खाते हैं, उस देश में बिना भ्रष्टाचार के विकास 100% बेईमानी है। आइए बार बार मोदी सरकार के औचित्य पर सवाल उठाने वालों को कवर स्टोरी से अवगत कराते हैं।
पुरोला नगर पंचायत के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों के अंतर्गत बन रही मल्टी स्टोरी पार्किंग जल्दी ही पुरोला नगर के प्रवेश द्वार की शान बनने जा रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी कहते हैं, भविष्य की पीढ़ी को आज की पीढ़ी द्वारा ये संपत्ति दी जा रही है, जिसे देखकर वे भविष्य में गर्व के साथ कहेंगे, यह हमारे पूर्वजों की मेहनत का फल है। वहीं नगर की व्यवस्थम सड़क कुमला रोड पर नगर पंचायत द्वारा आरसीसी नाली के निर्माण के साथ साथ सड़क पर टाइल बिछाई जा रही है। गौरतलब है कि कुमला रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला को नौगांव पुरोला मार्ग तक जाने का एकमात्र विकल्प है। कुमला रोड पर टाइल बिछाने के कार्य के चलते सड़क पर आवाजाही के लिए बंद होने के चलते 108 एम्बुलेंस सेवा के अस्पताल तक पहुंचने में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए दो अस्थायी वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं। आइए, हमने हरकृष्ण सिंह के मुखारविंद से कहा था कि बार बार मोदी सरकार, तात्पर्य नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बार बार प्रधानमंत्री देखना नहीं है, अपितु ऐसे लोगों को ग्राम प्रधान से प्रधानमंत्री जैसे पदों पर आसीन कराना है, जो बिना राग द्वेष के विकास कार्यों के लिए जीवन समर्पित करें, जो जनता के पैसों से नदी नालों में फर्जी बाढ़ सुरक्षा कार्यों के स्थान पर भविष्य की पीढ़ी को सैकड़ों की संख्या में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, शिक्षा संस्थान व वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दे। पुरोला में चल रहे विकास कार्य नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी की दूरदर्शी सोच के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विकासात्मक नजरिया व प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सही सोच व सही विकास को एक आंदोलन बनाना है। आपको हमारी कवर स्टोरी कैसी लगी, अपने कीमती कमेंट अवश्य करें। नमो न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करने वाले आप सभी का आभार। पुनः आपका दिन मंगलमय हो। नमो नारायण। टोला में बह रही विकास की गंगा पर बोले हरकिशन सिंह, बार बार मोदी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताकर कहा, 20 साल से पुरोला में ठप थे विकास कार्य। नदी नालों में फर्जी बाढ़ सुरक्षा बन गई थी विकास का मतलब। आज की कवर स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आइए हमारी खास टैगलाइन पर एक नज़र डालते हैं। जिस देश के सांसद व विधायक निधि भेजकर कमीशन खाते हैं, उस देश में बिना भ्रष्टाचार के विकास 100% बेईमानी है। आइए, बार बार मोदी सरकार के औचित्य पर सवाल उठाने वालों को कवर स्टोरी से अवगत कराते हैं। पुरोला नगर पंचायत के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों के अंतर्गत बन रही मल्टी स्टोरी पार्किंग जल्दी ही पुरोला नगर के प्रवेश द्वार की शान बनने जा रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी कहते हैं, भविष्य की पीढ़ी को आज की पीढ़ी द्वारा ये संपत्ति दी जा रही है, जिसे देखकर वे भविष्य में गर्व के साथ कहेंगे, यह हमारे पूर्वजों की मेहनत का फल है। वहीं नगर की व्यवस्थम सड़क कुमला रोड पर नगर पंचायत द्वारा आरसीसी नाली के निर्माण के साथ साथ सड़क पर टाइल बिछाई जा रही है। गौरतलब है कि कुमला रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला को नौगांव पुरोला मार्ग तक जाने का एकमात्र विकल्प है। कुमला रोड पर टाइल बिछाने के कार्य के चलते सड़क पर आवाजाही के लिए बंद होने के चलते 108 एम्बुलेंस सेवा के अस्पताल तक पहुंचने में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए दो अस्थायी वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं। आइए, हमने हरकृष्ण सिंह के मुखारविंद से कहा था कि बार बार मोदी सरकार, तात्पर्य नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बार बार प्रधानमंत्री देखना नहीं है, अपितु ऐसे लोगों को ग्राम प्रधान से प्रधानमंत्री जैसे पदों पर आसीन कराना है, जो बिना राग द्वेष के विकास कार्यों के लिए जीवन समर्पित करें, जो जनता के पैसों से नदी नालों में फर्जी बाढ़ सुरक्षा कार्यों के स्थान पर भविष्य की पीढ़ी को सैकड़ों की संख्या में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, शिक्षा संस्थान व वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दे। पुरोला में